बेटा आज कई दिन के बाद लेक्चर हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम चल रहा था। तो आप लोगों ने कहा था कि मैम पहले एग्जाम खत्म हो जाए फिर आप लेक्चर भेजिएगा, तो इसीलिए हम उतने दिन रुके हुए थे। अब आपका एग्जाम खत्म हो गया है, नया साल भी शुरू हो गया है, आप लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं कि पिछले साल की तरह ये साल अच्छा बीते। पिछला वर्ष तो हम तो यही कहेंगे कि उसे यादों से भी परे हटा दीजिए क्योंकि इतना बुरा वर्ष था वो सभी के लिए कि उसकी यादें भी हम लोग नहीं रखना चाहेंगे। तो अब वो साल बीत गया है, इस नए साल में एक नए सूर्य के साथ, नई आशाओं के साथ हम आगे बढ़ने की सोचेंगे। इस आशा के साथ कि हम सभी का जो जीवन है इस नए वर्ष में अच्छे से गुजरे, हम लोग आगे बढ़ सके। जो अभी तक हमारा जीवन रुक सा गया था वो फिर से सुचारू रूप से चलने लगे। इस आशा के साथ सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, हम पिछला आपको पढ़ा रहे थे मेंसुरेशन, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये हम आपको पढ़ा रहे थे। उसमें से हमने आपको दो तीन सवाल बताए भी हुए थे और आज हम उसी के आगे 18C ही लगा रहे हैं कि आप लोग जो है वो सवाल थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत होगी तो हम उसी को बता रहे हैं। आप लोग उसे देखिए और अच्छे से समझिए, जो नहीं आएगा फिर से आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। बेटा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। अगर किसी का कोई लेक्चर छूट गया है तो वो वहां जाकर के उसे देख सकता है। अब पेपर आपने कैसे किया ये तो मुझे नहीं पता है क्योंकि जो कुछ भी पेपर में आया था वो हमने सब आपको पढ़ाया हुआ था। और अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे मुझसे तो रिवीजन के समय दो चार छह बच्चों को छोड़कर के किसी ने कुछ नहीं पूछा, जबकि 100 से ज्यादा बच्चे अर्थ में हैं और पूछा किसी ने नहीं। तो मैं क्या समझूं, मुझे नहीं पता। कॉपियां जब मुझे मिलेंगी तब नंबर से पता चलेगा कि आपने कितना किया है। तो चलिए अब दोबारा ये गलती ना हो क्योंकि अगर फेल हो जाएंगे तो क्लास नहीं मिलेगी बेटा। और दूसरी चीज, आपको कक्षा 9 में जाना है अगले वर्ष, तो अगर आपने मैथ में अच्छा स्कोर नहीं किया तो गणित आपको नहीं मिलेगी। यही समस्या हर बार रहती है। तो आप लोग सारे लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अब तो ज्वाइन करना भी आता है। और वहां पर मेरे लेक्चर को देखिए, जो ना आए टेलीग्राम पर ही आप पूछिए मुझसे। आप पहले लेक्चर देख लीजिए, हम फिर आपका जो है डाउट सेशन दिन रख देंगे, उस डाउट सेशन में आप लोग पूछिएगा तो हम आपको बता देंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए 18C का हम चौथा सवाल आपको बता रहे हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में एक चित्र बना हुआ है इस तरह से, इस तरह से एक चित्र बना हुआ है, हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, आप लोग किताब में देखिएगा। इस तरह से ये चित्र बना हुआ है, ये एक साइन बोर्ड है अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, अर्धवृत्ताकार ये साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड आप लोग देखते हैं ना, जैसे कि दुकान उकान पे लोग लगवाते हैं कि नहीं साइन बोर्ड, उस पर ना दुकान का नाम वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें लिखी होती है, तो इस तरह से ये साइन बोर्ड है। जिस साइन बोर्ड को रंगाया गया तो रंगेगा तो यहीं पर भाई, यहीं पर रंगा जाएगा क्योंकि यहीं पर कुछ लिखा जाएगा। तो इस साइन बोर्ड को रंगवाया जा रहा है, जिसपे रंगाई का खर्च क्या है, रंगाई का जो खर्च उन्होंने दिया है वो 0.15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक वर्ग सेंटीमीटर पर 15 पैसे खर्च हो रहे हैं। और कुल खर्च उन्होंने दिया हुआ है, कुल खर्च दिया है 49 रुपये 50 पैसे, ये उन्होंने कुल खर्च दिया हुआ है। तो आपको ये बताना, जब और भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या मतलब देखिए दो अर्धवृत्त बने हुए हैं, एक ये वाला बना हुआ है और एक ये वाला बना हुआ है, ये भीतरी है और यहां से यहाँ ये बाहरी है, ये बाहरी, बाहरी माने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये बाहरी हुआ और
और यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये आपका भीतरी हुआ, ये वाली भीतरी है और ये वाली बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या है। भीतरी त्रिज्या उन्होंने दी रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बाहरी त्रिज्या हमको नहीं पता है भाई, यहां से यहां तक तो पता है 14, अब ये कितना है नहीं पता है हमको, तो हमको बोर्ड की चौड़ाई बतानी है। तो बोर्ड की चौड़ाई इतनी ही हुई है आपकी, इतनी हुई भाई, यही तो बोर्ड है, इसे ही तो रंगाया जा रहा है, यहाँ तो रंगा नहीं जा रहा है, इसी को रंगाया जा रहा है, जितना चौड़ा ये बोर्ड है इसी बोर्ड की चौड़ाई हमको बतानी है। तो अब इस तरह के सवाल में हमने आपको जैसे सड़क वाला सवाल बताया था कि नहीं, सड़क के चारों तरफ रास्ते बने हैं तो कैसे रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा, तो दो आयत बनता था, बाहर वाला आयत में से अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। ठीक उसी तरह से मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए आप कि ये अर्धवृत्ताकार है, इसके तरफ ये रास्ता बना हुआ है, हमको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इस बाहरी वाले वृत्त अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से भीतरी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें जो है इस साइन बोर्ड का क्षेत्रफल निकल, जब साइन बोर्ड यहाँ पूरा इसी को तो रंगाया गया है तो ये क्षेत्रफल वाला हिस्सा ही तो हुआ, तो साइन बोर्ड का क्षेत्रफल पहले क्या होगा, पहले हम ये निकालें। अब हमें भीतरी त्रिज्या पता है 14 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं, माना बाहरी त्रिज्या बराबर एक्स सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 14 है और यहां से यहां तक मान लेते हैं ये एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, साइन बोर्ड का क्षेत्रफल, अब साइन बोर्ड मेरा किस आकार का है, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे वृत्त का होता है, ये अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या करेंगे उसमें, आधे से हम गुणा कर देंगे, तो साइन बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा बाहरी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ये बाहरी है, ये वाले में से, ये इस वाले में से इतना भाग हटा देंगे तो मेरा यही भाग तो बचेगा, तो वही बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त, अर्ध माने आधा, यानी 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो बाहरी है तो बाहरी की त्रिज्या क्या है आपकी, एक्स है, तो पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये नहीं लगना था गलती से लगा दिया, भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो भीतरी की त्रिज्या कितनी है 14 दी हुई है और अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा यानी पाई 14 स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम 1/2 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 पाई कॉमन हमने ले लिया तो अंदर क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ये मेरा बचा, ठीक है। तो ये साइन बोर्ड का क्षेत्रफल है, ये साइन बोर्ड का क्षेत्रफल इतना आपका आया, ठीक है, ये इतना आया, यानी कि ये जो साइन बोर्ड आपका ये दिया हुआ है, ये भाग, इस भाग का क्षेत्रफल इतना आया। अब इतने ही भाग को, ये वर्ग सेंटीमीटर है भाई, इतने ही भाग को रंगाना है हमको, इतने ही भाग को जब रंगाएंगे तो कुल खर्च 49.50 रुपए आएगा। तो अब ये इतने वर्ग सेंटीमीटर है तो इसको रंगाने का खर्च है 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जबकि क्षेत्रफल हमारा इतना है। तो अब देखिए, साइन बोर्ड को रंगाने का कुल खर्च आ रहा है 49.50 रुपए। अब साइन बोर्ड का हम क्षेत्रफल जो है यही यही इसी को तो रंगाएंगे, तो वो क्या है 15 पैसे
प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी इतने में हम क्या करेंगे, 15 पैसे से गुणा कर देंगे, तो 1/2 पाई बाहर है, x² - 14 का स्क्वायर गुणे 0.15। 15 पैसे को क्या लिखेंगे, 0.15, 15 रुपए नहीं है, 15 पैसे है, इसलिए 0.15 बराबर 49.50। अब देखिए इसको हल करते हैं हम, ये सबको इधर ले जाते हैं, 1/2 पाई ये x², सॉरी देख रहा आप, अब 14 का स्क्वायर कर लीजिए, 196 होगा बराबर 4950, ये वाला बटे में आ जाएगा 0.15। दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, ये आपका कट गया। अब इसको आप 5 से काटिए, 5 3 15, 5 9 45, 4 5 9 45, 0। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 0, कट गया। अब देखिए 1/2 पाई x² - 196 बराबर 330। अब इसको भी इधर ले जाएंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे हम इस तरह से, तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, x² - 196 इज इक्वल टू 330 × 2/π नीचे आ जाएगा। अब पाई को भी खोल लेते हैं, 330 × 2/22 और 7 ऊपर चला गया ये, तो 11 2 22, 11 3 33, 0, 2 से 2 कट गया, तो x² - 196 बराबर 30 का गुणा 7 में कर दीजिए, 210। ठीक है, अब x² बराबर 210 + 196, इसको उधर ले जाएंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 9 1 10 2 3 4, x² बराबर 406, तो x बराबर ये रूट में चढ़ जाएगा 406। अब इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल 406 का। अब 406 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा बेटा, इसको आप निकालिए जिस तरह से हमने आपको निकालना बताया है कि नहीं, इस तरह से 406 लिखिए, इधर से जोड़ा बना, इधर से जोड़ा बना, 2 2 4 कट गया, 2 इसमें जोड़ दिया, 4 हो गया, अगला जोड़ा उतारा, 6 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा। अब इसके आगे हम दशमलव लगा के अपने मन से, क्योंकि अंक नहीं है तो 0 0 बढ़ा लेंगे, जोड़े में उतरती है संख्या, तो 0 0 उतारा, दशमलव यहाँ लग गया, अब ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 401, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9, 5 में से 4 गया 1, फिर अगला जोड़ा उतार देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 402, अभी कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 4 16 की 6, हाँ से लेक, 4 2 8 और 1 9, 4 0 0, 4 4 16, बस दशमलव के 2 अंक तक निकाल लेते हैं, वही सुशुद्ध माना जाता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 20.14 सेंटीमीटर। अब देखिए x क्या है हमारा, x यहाँ से यहाँ तक है, जबकि उन्होंने कहा साइन बोर्ड की चौड़ाई, तो साइन बोर्ड तो केवल इतना ही चौड़ा है, इतना ही चौड़ा है साइन बोर्ड, यहां से यहां तक चौड़ा है, जबकि हमने यहां से यहां तक का निकाला है। अब यहां से यहां तक की दूरी इतनी घटा दें इसका निकल आएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ऊपर भीतर त्रिज्या कितनी है, 14 है, तो इसमें से इस टोटल में से हम 14 घटा देंगे, तो साइन बोर्ड की त्रिज्या पता चल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे साइन बोर्ड की चौड़ाई बराबर 20.14 - आपका 14 सेंटीमीटर, घटा दीजिएगा 6.14 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझिए बेटा, फिर से 2 4 बार देखिएगा इस सवाल को, खूब समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा ये सवाल। चलिए इसी के आगे चलते हैं अब हम, अगला सवाल 5वां सवाल है, कह रहे हैं एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है, एक वर्ग है ये, ठीक है ये, और एक वृत्त है, इन दोनों का परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप
परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और वृत्त का परिमाप जिसको हम परिधि बोलते हैं, वृत्त के लिए परिधि होती है 2 पाई आर। ये दोनों क्या हैं? समान हैं। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा? दोनों का परिमाप समान है यानी 44 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप भी 44 है और वृत्त का परिमाप भी 44 है, तो 4 गुणे भुजा। अब देखिए वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा है, ये किसके बराबर है? 44 के बराबर है। तो दिस इंप्लाई भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 4 से इसको भाग दे देंगे, 11 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग की एक भुजा कितनी है? 11 सेंटीमीटर। अब उसी तरह वृत्त का परिमाप 2 पाई आर है, ये भी 44 के बराबर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 44/2 पाई, यानी 44/2 × 22/7 ऊपर चला गया, 22 × 44 कट गया, 7 सेंटीमीटर आर बराबर। यानी कि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका एक भुजा कितना है? 11 सेंटीमीटर। अब बताना है कि इन दोनों का क्षेत्रफल कौन बड़ा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा या इसका, यानी दोनों का क्षेत्रफल निकाले। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी आई है वर्ग की? 11 वर्ग सेंटीमीटर। 11 का निकालो, 121 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई माने 22/7 और आर कितना है? 7, यानी 7 × 7, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये 7 से 7 कट गया, 7 × 14, 7 × 14 और 1 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देख के बताइए वर्ग का ज्यादा है कि वृत्त का ज्यादा है? साफ साफ दिख रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर, कितने का अंतर होगा? बराबर 154 − 121 बराबर, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है, 33 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है। तो ये आपका 5वां सवाल था, ठीक है बेटा। छठा सवाल देखिए, कह रहे हैं एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है। एक वृत्ताकार, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक छोटा है और एक बड़ा है, जितना इसका क्षेत्रफल है और जितना इसका क्षेत्रफल है, इसका 100 गुना लेते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो 100 गुना है, तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब हमें ना इसकी त्रिज्या पता है ना इसकी त्रिज्या पता है, मान लेते हैं छोटे वृत्त की, माना छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर x सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों के क्षेत्रफल में 100 गुने का अंतर है, ठीक है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर, उसका हमने आर ही माना है। अब क्या कह रहे हैं प्रश्नानुसार?
प्रश्नानुसार कह रहे हैं, जो छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका 100 गुना बड़े वाले का है, यानी 100 × π² बराबर π r²। अब ये देखिए, तो अब आपको कैसे बताएं, पाई से पाई कट गया क्योंकि ये नीचे जाएगा यहाँ पर, तो ये कट जाएगा, यानी 100 x² बराबर r². तो अब क्या करेंगे, 100 को उधर ले जाएंगे, x² बराबर r² / 100। अब हम क्या करेंगे, r को तिर्यक गुणा कर देंगे, नहीं तिर्यक गुणा नहीं, r को इधर लेते आएंगे, x² / r² बराबर 1/100। यहाँ पर जब इसको हम इधर ले आए तो यहाँ पर एक ही बचा, अब दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे, x/r बराबर क्या हो गया, 1/100, इसका 1 का वर्गमूल 1, 100 का वर्गमूल 10, यानी इन दोनों के त्रिज्याओं में 1/10 का अनुपात है। अब इनकी परिधियों का अनुपात, परिधि का अनुपात क्या होगा, परिधि 2πr होती है, तो इसमें 2π से गुणा कर दोगे, दोनों में 2π 2π कट जाएगा, तो यही आपका अनुपात रहेगा, परिधियों में अनुपात बराबर 1/10। क्यों, देखिए परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, तो छोटे वृत्त का तो आपका x है, तो 2πx और बड़े का r है, 2πr, π से 2π कट गया, x/r कितना आया, 1/10, तो भाई उसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये छठा सवाल था। अब 7वां 8वां, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कत होगी बेटा, और आप लोग लगाइएगा, 2 सवाल बचे हैं, नहीं होगा तो हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे, धन्यवाद।